हमारे यहाँ सभी औरतें घर चलाने के लिए काम करती हैं, पर उनका नाम काम काजी औरतों में नहीं बल्कि घर संभालने वाली लिस्ट में ही चढ़ता है, क्योंकि इन कामों को कोई शौक बोल देता है तो कोई टाइम पास, पर कभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता। मेरा नाम सरोज है और मैं एक कामकाजी लड़की हूँ जो रोटी पकाना भी जानती है और कमाना भी। शादी भी करना चाहती है और बच्चे भी, पर अपनी पहचान बना लेने के बाद। उस दिन घर पहुंचकर चाय चढ़ाई थी कि राम भैया की बाइक की आवाज आई। सरोज? हाँ भैया। ये रंगोली तुमने बनाई है क्या? जी भैया, क्यों? चाय पिला फिर बताता हूँ। कैसी हो चाची? ठीक हूँ, अपना सुना। मस्त हूँ। बटन लगा रही हो? नमस्ते भैया। नमस्ते। चाय। धन्यवाद। माँ ये देखो। ये क्या है भैया? देखो तो पहले। मुझे लगता है तुम्हें ये काम सीखना चाहिए। दिखा। अब ये सब काम भी लड़कियों से कराओगे? अरे मुझे भी आज ही पता चला कि ये काम लड़कियों का ही है। देखो देखिए, और सिर्फ तुम ही क्यों, मैं तो कहता हूँ चार पांच लड़कियों की टीम बना दो, क्या बोलती हो? राम भैया हमारे गांव से आए हुए लोगों में सबसे सफल कॉन्ट्रैक्टर है, है ना? उनका विश्वास देखकर मैंने हाँ कर दी। और मैं जो है खुद साथ में रहूंगा तुम्हारे। मुझे लगा था टीम तो मैं यूं तैयार कर लूंगी, जाने दीजिए ना अंकल, पर नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़े लोगों को ये समझाने के लिए कि ये एक बेहतर कल की शुरुआत है। अगले कुछ दिन चौंका देने वाले थे। हमें एक ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया। जितने अचरज से हम उस जगह को देख रहे थे, उतने ही अचरज से वहां का स्टाफ हमें देख रहा था। नमस्कार सर। साहब ये हमारी टीम है साहब। किसी को नहीं पता था कि इन लड़कियों से ये काम होगा कि नहीं, पर सबको पता जरूर लगाना था। एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर ट्रेनिंग शुरू हुई और देखते ही देखते हमारा हाथ साफ होने लगा। सर ऐसे बीच में तो हो जाएगा, लेकिन घरों में जैसे साइड में कोनों में कैसे करेंगे? बहुत आसान। उत्साह बढ़ता ही गया और मुश्किल से मुश्किल डिजाइन्स भी आसान लगने लगे। पर सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी और वो थी एक्चुअल साइट निपटाना, कोई डमी वॉल नहीं। उस दिन हम सब बहुत नर्वस थे, पर क्लाइंट का विश्वास देखकर हमारा सारा डर गायब हो गया। और कुछ ही घंटों में हमने साइट पूरी कर दी। जैसे जैसे हमारा नाम होने लगा, काम का तो जैसे तांता ही लग गया। राम भैया को कई बार मना करना पड़ता था। लाइफ में पहली बार ऐसा होने लगा कि अपने काम का वक्त मैं तय करने लगी, वरना ब्यूटिशियन के काम में तो हमेशा क्लाइंट की मर्जी चलती थी। अब दिन में सिर्फ 3-4 घंटे और बस। तो ब्यूटिशियन का काम अब बिल्कुल नहीं करती हो क्या? नहीं करती हूँ ना, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, बाबा। अरे सरोज अब मुंह धो ले। 5 मिनट और बाबा, अभी तक सूखा नहीं है। अच्छा। एक दिन चार प्यारे हो जा तैयार, बोल तू तारी पंख होंगे यार प्यारे, हो जा तैयार मारो।
तुझे कर ले अब तैयारी, पंख लगा और भर ले आज उडारी, नमकी अपने मोहर बना ले, कल जग में होगा तेरा नाम, नाम से काम रे प्यारे, देख देख दिन चार, हर उड़ना है तुझे कर ले अब तैयारी।